40 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे बढ़ा हुआ है तो उसका इमेज जो होगा वो पीछे उतना ही डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज इन फ्रंट। तो फ्रंट में कितना है? 30, तो बिहाइंड में भी कितना होगा? 30। तो अगर ये मेरी इमेज है, अगर ये मेरी इमेज है, तो इसका मेरे मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? इसका मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? 30 मीटर। अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो मैंने पूछा कि अगर ये मेरा मिरर है और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्जेक्ट, ये मिरर और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 20। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब हम लोग बेटा स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या होता है? जो तुम बचपन में दो तरीके के मिरर पढ़ते जा रहे हो, एक कॉनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ठीक है ना? कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? बेंट इन। कैसी होती है? बेंट इन क्यों बोलते हैं बेटा? समझो, अगर ये कोई स्ट्रेट चीज होती तो हमने इसको क्या कर दिया? आगे धक्का दे दिया। तो जो शेप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंट इन। और इसकी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं इट्स बल्ज आउट। ऐसा लग रहा है किसी चीज के बाहर कुछ निकल रहा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं कॉनकेव मिरर को? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है, जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है इस तरीके, तो उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को ये एक पॉइंट पर लाकर कन्वर्ज कर देते हैं। उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को वो क्या करते हैं? एक पॉइंट पर ले आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, ठीक है। और इन्हें डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है? हाँ क्योंकि इनके पास जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है, इनके पास जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है, तो ये वहां से ये पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती है। ये उस पॉइंट से किस दिखती है? डाइवर्ज होती हुई दिखती है। इज इट क्लियर? तब हम लोगों ने ये मिरर कैसे बनाया होगा? एक स्फेरिकल सरफेस से बनाया होगा, यानी कि एक बड़ी सी स्फेरिकल सरफेस होगी, और उस बड़ी सी स्फेरिकल सरफेस पे से हमने इतना मिरर काट लिया होगा। तो क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका अपने आप में क्या होगा? एक सेंटर होगा। इसका अपने आप में क्या होगा? सेंटर। तो ये जो उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब पी से लेकर सी का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये सेंटर से मिरर के एंड तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर से स्फेरिकल सरफेस का जो एंड होता है वो जो डिस्टेंस होता है, क्या उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं? हाँ, सपोज ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है ना। तो सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, क्या हम लोग उसे रेडियस बोलेंगे? हाँ। तो क्या ये पीएचजी वही, बीसी भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, सेंटर से लेके मिरर के सरफेस तक का डिस्टेंस, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब ये सारी कहानी, ये जो सारे डिफाइंस है या ये जो सारे पार्ट्स है, ये मैंने आज तुमको समझाए, कल ये चीज क्या करूंगी? एक एक पार्ट की डेफिनेशन दिखाऊंगी। दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल? तो पोल क्या होता है? पोल बेसिकली मिरर का
सेंटर होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोकस? तो फोकस क्या होता है? फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज आकर कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन सब चीजों की डिफाइन हम लोग कब करेंगे? कल कवर करेंगे। ओके।